हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद मुस्कान। सो आज मैं आई हूँ हुमायूं टॉम में आप सबको घुमाने के लिए। मैं तो ऑलरेडी घूम चुकी हूँ, बट आपको घुमाना भी बनता है। सो यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हुमायूं टॉम कहाँ पड़ता है, लोकेशन क्या है, इसकी एंट्री टिकट्स क्या पड़ेंगी और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या पड़ेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस ब्लॉग में देने वाली हूँ। और ये हुमायूं टॉम बहुत ही सुंदर, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। तो ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सारी एस्थेटिक वीडियोस फोटोज आने वाली हैं आपकी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन और इस हुमायूं टॉम को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, हुमायूं टॉम की जो लोकेशन है वो पड़ेगी आपको निज़ामुद्दीन ईस्ट न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर पड़ेगा आपको, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा यहाँ के लिए जोरबाग। वहाँ से आप 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ऑटो देके इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। एंड यहाँ की एंट्री टिकट आपको पड़ जाएगी 40 रुपीज़ ओनली, तो उसमें आप अंदर एंट्री ले सकते हो इजीली। और बाकी बात करें टाइमिंग की, तो सुबह मॉर्निंग में 9 या 10 बजे खुल जाता है टाइमिंग, आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगी। 9 या 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं भूल जाऊँगी इस वीडियो में डालने के लिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से हुमायूं टॉम की एंट्री, बट यहाँ से है दूसरे टॉम की एंट्री, इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, ईसा खान टॉम की एंट्री यहाँ से है। सो ये है हुमायूं का मकबरा स्थल संग्रहालय का सिलानसिया। तो यहाँ पे लिखी हुई है कुछ ईसा खान का मकबरे के बारे में। ईसा खान टॉम लगभग 20 ईयर्स पहले बना था हुमायूं टॉम से, और इसको बनाया था ईसा खान ने 1547 में, और ये इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको वाइट और ब्लू मार्बल्स की बहुत सुंदर सा आर्किटेक्चर मिल जाएगी। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बट बहुत सुंदर, इसलिए मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे। तो चलिए इस ईसा खान टॉम को हम साइड से बाउंड्री से दिखाते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं। इसके आर्किटेक्चर सच में बहुत ब्यूटीफुल है। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, और वहाँ से धूप आ रही है, सामने भी एक यहाँ वॉल बना रखी है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। और से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उर्दू लैंग्वेज में। ऑल्सो यू है यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फॉरनर्स यार। मैंने पूरा राउंड लगा के इन दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बैठे हुए हैं, ये लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं ये दोनों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, और आज जा रहे हैं भाई इंडिया गेट। कुछ भी अच्छा कुछ भी। हाय, आर यू मेकिंग स्केच? सो ब्यूटीफुल। तो ये वाला स्केच बना रही है, गेस वही बना रहे हो ना? ओके, सामने मॉन्यूमेंट है ना। ओके, सो आपको याद है ये सब चीजें? नहीं नहीं। अच्छा, पिक क्लिक करिए। ओके नाइस। सो चलो, हम थोड़ी सी बात तो करिए। मैं ना इंट्रोवर्ट हूँ यार, अपने को धक्का देना पड़ता आउटरवर्ट चीजों में। तो अभी हम हो गए हैं आउट ईसा खान के मकबरे से, और अभी हम जा रहे हैं मेन हुमायूं टॉम में, जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पे। और हुमायूं टॉम लिटरली बताऊँ बहुत सुंदर है। सो ये है बू हलीमा गेट,
ठीक है। ये है इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा गेट है, लेकिन इसमें एंट्री जो होती है वो छोटे टाइनी गेट से ही होती है। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा है ये विशाल दरवाज़ा बू हलीमा के मकबरे बगीचे तक जाता है। तो काफ़ी अच्छा ये बना रखा है यहाँ पे, और काफ़ी ग्रीनरी सी ही है। तो ऐसी जगह पर आपको ग्रीनरी भी काफ़ी मिलने वाली है। साइड में बाउंड्रीज देख रहे हो, पूरे यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है, और यहाँ पे ट्रीज भी काफ़ी सारे हैं, और देखने में इतना सुंदर लगता है ये देखो कि बिल्कुल लाइक मिडल में चल रहे हैं हम, और साइडों में दोनों तरफ ट्रीज हैं, और बीच में है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। ये कितना सुंदर लगता है देखने में। और यस, जो अब थक चुका है, इसको ब्लॉक करने का भी मन नहीं कर रहा अपना। मैं तो थक गई भाई। तो ये हैंगर जिसमें से हुमायूं टॉम पूरा दिखता है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है मेन दिखना, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा छोटा सा म्यूजियम। सो यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम बना रखा है, जिसके अंदर कुछ ये जो फतर वगैरह यूज़ करी गई हैं, रेड मार्बल यूज़ करी गई हैं, जो भी वो उन सबको दिखाया गया है। सेम ऐसा ही आगे भी है, सामने भी है इसके, तो वहाँ भी चलते हैं। सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ हुमायूं टॉम, जिसमें आपको यहाँ पे ये नीला गुम्बद मिल जाएगा, जो आपको रोड पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये रहा हुमायूं टॉम, और आई गेस ये भी टॉम में किसी का नाई का मकबरा, जो इनके नाई होते थे उसका मकबरा बना रखा है यहाँ पे। ये आपको आंटी, जिसमें से आपको हुमायूं टॉम का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये लाइक फाउंटेन हुआ करते थे, बट इनको अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो अब ये नाले बन चुके हैं। और ये है प्रॉपर व्यू हुमायूं टॉम का। अब मुझे तो ये लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जो रेड मार्बल से इसके अंदर काम किया है, इट्स अमेजिंग, और बहुत सुंदर लगता है मुझको ये, इसलिए मैं यहाँ पे आई है थर्ड टाइम आ रही हूँ। हुमायूं टॉम, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं की वाइफ ने उनकी याद में ये हुमायूं टॉम बनवाया था हमीदा बेगम ने, जो कि बना है रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से। और इसके चारों ओर आपको बगीचे मिल जाएंगे, जिनको चार बाग भी कहा जाता है। ऑल्सो ये काफ़ी हद तक ताजमहल जैसे दिखता है, बट ताजमहल हुमायूं टॉम के लगभग 60 साल बाद बना है। और यहाँ पे जो देखो स्टेज, इतनी ऊंची ऊंची, इतनी मोटी मोटी स्टेज है यहाँ पे, एकदम। सनसेट कुछ भी मतलब। सो यहाँ से अभी हम ले चुके हैं एंट्री, मीन्स यहाँ से हम सीढ़ी स्टेज चढ़ के आए हैं, और यहाँ थक गए हम आते आते। और ये रहा ब्यूटीफुल सा हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम, ठीक है। बच्चे कैसे मजे ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी लग रहा है ये, इतना सुंदर लग रहा है इसमें ये वाला एरिया, देख सकते हैं। यहाँ पे लोग पिकनिक अपनी मना रहे हैं यहाँ बैठ के आराम से, वैसे तो यहाँ पे फूड अलाउ नहीं है, तो लोग आराम से बैठे हुए हैं और इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि नीचे से ये हुमायूं टॉम का व्यू बहुत सुंदर आता है। मैं फोटोज नहीं करती हूँ, मैं अपनी सिनेमेटिक शॉर्ट्स वगैरह लेती हूँ वीडियोज़ के लिए। साले
यार मैं इस टॉम को ना पूरा घूम ली, मीन्स पूरे राउंड लगा ली, मुझे अभी तक यहाँ की एंट्री नहीं मिली अंदर जाने की। अभी लास्ट पॉइंट है और यहाँ मेरे जाने चाहिए, मेरे जाने के चाहिए यार, मैं पूरा घूम ली, बस वही पॉइंट बचा है, मीन्स वहाँ पे होगी। सो ये है यहाँ का अंदर का, ओहो, सो ये है यहाँ के अंदर का। 20 से नीचे चलेगा ये बैटरी, और आज तो यहाँ उजाला है, जब मैं लास्ट टाइम आई थी बहुत अंधेरा था यहाँ पे, देख सकते हो। अभी गिरते गिरते बच गई मैं, और ऐसे कुछ मज़ेदार अंदर है नहीं, मज़ेदार तो क्या जितने भी ये टॉम होते हैं इनके अंदर वही होते हैं, कब्र होती है, बाकी यहाँ की आर्किटेक्चर जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, बाहर से भी बहुत सुंदर है। तो अभी थोड़ा सा और बाहर का लेते हैं और नीचे पार्क बना रखा है, उसको थोड़ा घूमेंगे, तो अभी तो टाइम है हमारे पास, क्योंकि 6 बजे ये बंद होता है, तो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो देखिए यार थक चुके हैं, तो ये रूस के लोग बैठे हुए हैं, इनको थक गए हैं कि मैं, ये थक गए हैं, इनका मन नहीं है, इन तो ही मैंने खुद शूट किया, गुस्सा हो गए थके हुए। सो अब हम ले रहे हैं एग्जिट, क्योंकि बहुत घूम लिया, थकान भी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले हम लोधी गार्डन गए थे। सो ये है हमारी टाइम का व्लॉग मेरा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट्स भी कर देना वीडियो कैसी लगी, और आपके पास कोई सजेशन है किसी प्लेस का कि आप वहाँ जाके व्लॉग बनाओ तो मैं वो भी कर लूँगी, तो आप बस कमेंट करना है। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नेम्स के नीचे मेंशन हो ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।